सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जीजी ऑफिशियल आर्मी। सो फ्रेंड्स, आज हम एक हैकर के सामने खेलने वाले हैं अपनी स्क्वाड के साथ। तो हैकर के सामने हम ये पहला राउंड खेल रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये इंटेंशनली, हमारा ये नहीं है कि हम हैकर्स को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं, हम देखना चाहते हैं कि मतलब हैकर के जो एबिलिटीज़ है वो क्या क्या है और वो कैसे यूज़ करता है उसे, वो हम देखना चाहते हैं। तो ये हैकर जो है वो हमें रैंक गेम में मिला था, जिसने हमारी पूरी स्क्वाड को मारा था अकेले। बट ये बुरा नहीं कर पाया था क्योंकि उसको पीछे से कार 98 से किसी ने मार दिया था। और यहाँ पर देखिए, हैकर अपने आप को हाइड कर रहे हैं ग्लोबल के अंदर। तो यहाँ पर इसके लिए तो ये दाएं हाथ का खेल होगा। पहला राउंड तो हमने जीत लिया यहाँ पर, लेकिन इसके लिए दाएं हाथ का खेल होगा हमारी पूरी स्क्वाड एक झटके में ख़त्म करना। और ये वो कर भी सकता है। तो हम लोग यहाँ पर इंटेंशनली इसको मारने के लिए नहीं खेल रहे, हम लोग इससे बचने के लिए खेल रहे हैं ये गेम। तो देखते हैं अभी क्या कर पाते हैं हम। तो फर्स्ट राउंड तो हमने जीत लिया, अभी सेकेंड राउंड में हम आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हो आप, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक बंदा डाउन हो चुका है, देख सकते हो आप। उसने MA2B से हेडशॉट मारा है, पर फ्रेंड्स उसका सिर्फ हेड ही लगता है। तो वो एमबॉट हैक उसने यूज़ किया है, एमबॉट हैक भी यूज़ किया अभी तक उसने, आपने देखा है जैसे कि वो हेड ही मारता था। अभी तक तो आपको लग नहीं रहा होगा देख के कि वो हैकर है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ आगे देखने को मिलेगा, जिसके बाद आपका सर भारी हो जाएगा, चक्कर खा जाओगे आप लिटरली। यहाँ पर हमारा एक बंदा नॉक हो चुका था, लेकिन हमने उसे रिवाइव कर लिया, और रिवाइव करके पूरा हील भी कर लिया उसने। तो यहाँ पर अब हम रश करेंगे। देखो भाई साहब, देखो सामने में गया और हेड लग गया मुझे, मतलब लिटरली इसके सामने आप फाइट, और देखो मेरा दूसरा बंदा भी डाउन हो चुका है, और इसके सामने आप फाइट नहीं कर सकते क्योंकि फ्रेंड्स ये हैकर है। इसको कुछ नहीं करना, बस एम करना है और फायर करना है, आपका हेड बराबर लगेगा। और यहाँ पर हमने दूसरा राउंड भी जीत लिया क्योंकि उसने जीतने दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसने टेलीपोर्ट करके, वो देखिए टेलीपोर्ट करके उसने हमारा एक बंदा डाउन कर दिया, ये मैं भी डाउन, ये तीन बंदे, ओ भाई साहब लगातार तीन बंदे इसने डाउन कर दिए थे। वो तो एक बंदा हमारा अलग था इसके लिए, वरना वो भी मर जाता और हमने तीन राउंड जीत लिए लगातार। तो फ्रेंड्स हैकर से मैच तो हमने कर लिया यहाँ पर, लेकिन हमने तीन राउंड लगातार जीते। अब हैकर काफ़ी बौखला गया होगा और वो अब चुप नहीं बैठने वाला, तो अब देखना होगा अब वो क्या करेगा हैकर। तो देखते हैं हैकर क्या करता है। काफ़ी सही मैच था ये फ्रेंड्स। तो हम लोग इसमें मारने के लिए तो खेल नहीं रहे थे, अगर मारने के इंटेंशन से देख सकते हो फ्रेंड्स आप। तो भाई साहब उसने टेलीपोर्ट करके हम सबको मार दिया, देख सकते हो, एक मिनट भी नहीं लगा लिटरली, और उसने ये राउंड ख़त्म कर दिया और वो अपना पहला राउंड जीत लिया उसने। तो गाइस आप देख सकते हो हैकर काफ़ी OP लेवल का हैकर है, ये टेलीपोर्ट हैक भी यूज़ कर रहा है और एम बॉट हैक भी है इसके पे, हेडशॉट हैक भी है, प्लस जब ये रैंक गेम खेल रहे थे तो इसने अनलिमिटेड ग्लूवल वाली हैक ही उसकी थी, अनलिमिटेड ग्लूवल लगा सकता था ये। तो काफ़ी सही है मतलब इसका। तो और फ्रेंड्स ये मत समझिए कि हम हैक प्रमोट कर रहे हैं, और ये अब हम यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दो टीममेट ग्लूवल के अंदर हाइड कर चुके हैं अपने आप को, ताकि टेलीपोर्ट के कारण मर ना पाए। और मैं यहाँ पर बाहर ही हूँ, देख रहा हूँ कहाँ से आएगा बंदा, लेकिन इस बार शायद उसने टेलीपोर्ट नहीं किया, तो हमें निकलना चाहिए। मैं अपने टीममेट्स को बोल रहा हूँ चलो निकलते हैं यार। तो फ्रेंड्स फाइनली हम निकल रहे हैं, अब देख सकते हो मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर ग्लोवर लगा दिया था, तो हमें इधर से निकलना पड़ा। तो हम निकल रहे हैं, देख सकते हो ये हम निकल चुके हैं अब उस बंदे को ढूंढने, हैकर को ढूंढने को। तो हैकर देखते हैं हमें कहाँ मिलेगा। तो गाइस मेरे हिसाब से हैकर वहाँ पर होगा, लेकिन हम यहाँ से जाते हैं देखते कहाँ पर हैकर। तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, देख सकते हो यहाँ पर मेरे सामने ही अचानक से हैकर आ गया, और यहाँ पर मैंने दो गोली से मारा, लेकिन तब तक मेरे टीममेट ने ये किल चोरी कर लिया। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर चार राउंड जीत गए और एक राउंड हैकर जीता है। तो अब देख सकते हो हम आ चुके हैं अगले राउंड में, छठे राउंड में। यहाँ पर हम सामने, मेरे पास शॉटगन और MP40 है, और हमारे सारे टीममेट्स आगे बढ़ते हुए देख सकते हो। उसके डैमेज लिटरली आप देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे, उसने इस पूरे मैच में डैमेज कितने लगे। तो यहाँ पर मेरा एक टीममेट हाइड कर लिया अपने आप को, मैंने तो उस साइड से हाइड नहीं किया, लेकिन सामने से हाइड कर लिया क्योंकि मुझे लगा पीछे से वो आएगा, क्योंकि इतने इंटेंशनली जब उसने यूज़ किया था टेलीपोर्ट तो वो पीछे से ही आता है, तो पीछे से ही आएगा मुझे लगा, लेकिन वो इस बार टेलीपोर्ट नहीं कर रहा था। शायद उसने डबल MA2 भी ली थी और वो हेडशॉट पे हेडशॉट मारने का ट्राई कर रहा था। तो हम भी ग्लोबल के अंदर हाइड करके बैठे थे क्योंकि फ्रेंड्स हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि हम मतलब इस मैच को जीतने के लिए खेल रहे, हम फन के लिए खेल रहे थे, और ना ही हम कोई हैक को प्रमोट कर रहे थे। तो अभी हम देख सकते हैं हमारे एक टीममेट डाउन हो चुका है, तो उसे रिवाइव करने के लिए हम सोच रहे हैं, ग्लोबल लगा रहे हैं, आगे से आगे जा रहे हैं, देख सकते हो अभी यहाँ पर मैं जा रहा हूँ उसको रिवाइव करने, लेकिन मुझे ये याद रखना होगा सामने वाले पे MA2 भी है, और यहाँ पर वो रिवाइव हो चुका है, और देख सकते हो आप बंदा वो छत पे है,
और हम यहाँ पर ग्लोबल का सर्कल बना चुके हैं, देख सकते हो ग्लोबल के सर्कल में बैठ गए, लेकिन सामने वाले पे MA2 भी है, ये हमें याद रखना होगा। तो ग्लोबल भी ज़्यादातर काम नहीं आएगी क्योंकि दो गोली पे फोड़ देती है MA2 भी ग्लोबल भी। तो अभी हम यहाँ पर काफ़ी मतलब चकने में पहुँच गए, मतलब कि हम मतलब इतनी शौक हो चुकी कि कहाँ से हमें मार देगा वो आके, क्योंकि उसके पास टेलीपोर्ट भी है। तो अभी हमारे सारे टीममेट्स अलाइव है, देख सकते हो। और भाई साहब पहला टीम में डाउन हमारा हो चुका है MA2 से, तो यहाँ तो दो ग्लोबल स्किल मैंने लगाया। चलिए फ्रेंड्स, अब उसके सामने जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखने के लिए कहाँ पर है वो, लेकिन मुझे अभी तक दिखा नहीं होगा क्योंकि उसके पे दो MA2 भी है, तो मैं बाहर भी नहीं निकल सकता क्योंकि और उसका। और देखिए फ्रेंड्स, उसने टेलीपोर्ट यूज़ करके पीछे से आके मुझे मार दिया, वो भी दीवार के अंदर से निकल के। फ्रेंड्स OP लेवल का मतलब हैक यूज़ किया उसने, मतलब ये देख सकते हो आप कैसे उसने हमें मारा। यहाँ पर मैं डाउन हो गया, मेरा एक फ्रेंड मर चुका है और मैं भी यहाँ पर, और हमारे डिफीट लग गया, देख सकते हो फ्रेंड्स। तो हम दो राउंड हार चुके हैं यहाँ पर, चार राउंड जीतने के बाद। चार राउंड हमने जीता भी कैसे तो आप देख चुके होंगे इस मैच में। तो अब हम सातवें राउंड में पहुँच चुके हैं यहाँ पर, सातवां राउंड देख सकते हो आप, काफ़ी सही जा रहा था ये मैच। और लिटरली हैकर्स को गरीना को बैन करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीना का भी इसमें हाथ है हैकर्स को लाने में, क्योंकि हैकर्स से भी उनकी कमाई होती है। और गरीना का ध्यान सिर्फ कमाई पे है, उनका ध्यान गेम पे नहीं है, गेम के इम्प्रूवमेंट पे नहीं है, और ये उनको ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मतलब हम गेम में बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं जो फेयर एंड स्क्वायर खेलते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे तो फेयर एंड स्क्वायर खेलता ही हूँ, बाकी मेरी पूरी टीम भी फेयर एंड स्क्वायर खेलती है, बट यहाँ पर हैकर्स बहुत आते हैं हमारे मैच में। हम जब भी रैंक गेम में खेलते हैं तो 5 दिन में दो बार तो हमें हैकर मिल ही जाते हैं, 1 दिन में 2 बार हैकर मिल ही जाते हैं। और अभी तो और नए नए हैक्स आ चुके हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते होंगे वीडियोज़ यूट्यूब पर, फ्लाइंग हैक आ चुका है, बहुत सारे जिपलाइन हैक आ चुके हैं। और यहाँ पर अभी ये तो पुराना हो गया, काफ़ी पुराना हैक है ये टेलीपोर्ट वाला। तो अभी हम यहाँ पर रश नहीं कर रहे फ्रेंड्स, और आपको बताना कमेंट करके कि आपको ये हैक सिस्टम या फिर गरीना के बारे में क्या कहना चाहोगे इस चीज़ पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उसने पीछे से आकर हमारे एक टीममेट को डाउन कर दिया। यहाँ पर मेरे पास कोई भी गन नहीं है, शॉटगन है, तो शॉटगन से मैं तो फाइट नहीं ले सकता उतने लंबे रेंज में। और यहाँ पर उसने मेरे एक और टीममेट को डाउन कर दिया, तो हमारे दो टीममेट डाउन कर दिया उसने भाई साहब। और यहाँ पर मैं रिवाइव देने के लिए जा रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पर वही वहाँ पर है वो। और यहाँ पर मैं ग्लूवल लिया और वो फट से आ गया, देखो मैंने ग्लूवल लगा लिया, लेकिन ये गलती कर दी मैंने यहाँ पर, देख सकते हो आप, और उसने हेड ले लिया। तो फ्रेंड्स देखा आपने, मतलब उसने पीछे बस फायर करना और आपका हेड लग जाएगा, बहुत ही OP लेवल का हैक यूज़ कर रहा है वो बंदा। और उसका कहना है कि मतलब वो हैक इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि उसकी पुरानी ID डिसेबल कर दी गई, क्योंकि उसने एंटीना हैक यूज़ की थी। भाई साहब जब तुम फेरेंस पर खेल रहे थे तो तुमने हैक यूज़ किया ही क्यों, ये मैंने उससे पूछा, बट उसने कहा कि मैंने नहीं यूज़ किया, मैंने अपने दोस्त को अकाउंट दिया था, उसने यूज़ किया और उसके वजह से मेरा अकाउंट गरीना ने बैन कर दिया। तो गाइस, अगर आप भी कोई भी हैक या फिर बूस्टर यूज़ करते होंगे अपने बड़े या फिर कोई भी नए कोई भी अकाउंट पे, तो मत यूज़ करो, ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है, एक हफ्ते या फिर दो हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर पाओगे, उसके बाद फिर आपका गरीना वो अकाउंट बैन कर देगा। ना अकाउंट ही नहीं सिर्फ, फिर अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हैक यूज़ करते हो तो डिवाइस भी बैन हो सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हो हम आठवें राउंड में है, यहाँ पर हम क्लॉक टावर पे, और हमने यहाँ पे सोचा कि हम फाइट बिल्कुल नहीं लेंगे हैकर से, और हमने अपने आप को पूरी तरह से हाइड कर लिया है, यहाँ पर पूरी तरीके से हाइड कर लिया है। तो देख सकते हो आप, हम बिल्कुल नहीं निकलेंगे अभी ये घर से, हम ये घर से ये मैच ख़त्म करने की कोशिश करेंगे मेडिकेट चैलेंज करके। अब देखते क्या होता है, अगर हमें साथ मिला तो हम मेडिकेट चैलेंज करेंगे, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जोन रुकने वाला, तो हमें नीचे उतरना ही पड़ेगा लास्ट और लास्ट तक। तो फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, देख रहे हैं कि हैकर टेलीपोर्ट यूज़ कर पाता है कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर सारे जो चीज़ होते हैं खिड़की गेट सब हमने हाइड कर दिया, मतलब सब हमने ग्लूवल से हाइड कर दिया, देख सकते हो। और यहाँ पर अमन भाई ने फायर किया, देख सकते हो मेरे टीममेट अमन भाई, और यहाँ पर एक ग्लूवल हट गया था तो हमने ग्लूवल लगा दिया यहाँ पर दूसरा, और यहाँ पूरा प्रोटेक्शन ले लिया हमने, देख सकते हो पूरे पे ग्लूवल हमने लगा दिया है, कहीं इस पर भी ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि मतलब हैकर आ सके कहीं से भी, और हम चाहते भी नहीं हैकर आए। तो देख सकते हो अभी फ़िलहाल हैकर तो आने की कोशिश नहीं कर रहा है, शायद उसने देखा नहीं। फिलहाल मैं यहाँ पर इस रूम से बाहर निकला और देख रहा हूँ हैकर है कहाँ।
तो देख सकते हो मेरे एक टीममेट नीचे गए, तो अभी हम सब नीचे जाए धीरे धीरे। ओ भाई साहब, और इसने हमारे एक टीममेट को ना, वो भाई देखो कैसे मार दिया फ्रेंड्स उसने मुझे, मतलब लिटरली वो मुझे दिख भी नहीं रहा था और उसने मुझे, और देखिए फ्रेंड्स ग्लूवॉल के आर पार मार दिया है M82B, जैसा कि मैंने कहा था। और हैकर्स M82B आजकल बहुत यूज़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कहाँ 4-1 था और 4-4 हो चुका है, और ये काफ़ी OP लेवल का गेम प्ले हैकर ने दिखाया है यहाँ पर। OP लेवल क्या कहेंगे फ्रेंड्स, मतलब उसने तो कुछ किया नहीं है, जो कर रहा है उसका हैक कर रहा है जो। तो हमने इस हैकर से पूछा कि भाई तू कौन सा हैक यूज़ करता है, तो उसने बोला V15 करके और V14 करके वो हैक यूज़ करता है, जो उसने खरीदा है फ्रेंड्स 1500 में। फ्रेंड्स लिटरली 1500 में उसने ये हैक खरीदा है, और 1500 में अगर आप 1500 रुपये अगर आपके पास हो तो आप क्या कुछ नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। और इसने ये हैक जैसे पिड्डू चीज़ ने वेस्ट कर दी 1500 रुपये। तो अगर आप भी हैक या ये सब भी वेस्ट करते होंगे तो मत वेस्ट करो फ्रेंड्स। देखिए लिटरली यहाँ पर कैसे मार दिया उसने मुझे, मतलब आस पास वो दिख नहीं रहा है और उसने मुझे हेड दे दिया एक ही झटके में। और आपको तो पता ही है ये बंदा हेड ही मारेगा, क्योंकि इसके पास हेड शॉट है, पूरी टीम को खा गया फ्रेंड्स टेलीपोर्ट यूज़ करके, देख सकते हो आप। और अब 4-5 हो गया, और ये हम लास्ट 4-5 हो चुका था, जबकि फ्रेंड्स जहाँ पर हम 4-0 4-1 से लीड कर रहे थे वहाँ पर अब 5-4 हो गया। और यहाँ पर हमने फिर से सोचा कि हम छुप के खेलेंगे, तो यहाँ पर हम डबल डोर में आ चुके हैं कोचिंग नॉक पे, और वहाँ बंदा सामने से आ रहा है भाग भाग के। और देखो यहाँ पर उससे थोड़ा डैमेज पड़ा है, देख सकते हो थोड़ा सा डैमेज लगा, देख सकते हो उसकी स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है, OP स्पीड है उसकी, क्योंकि भाई उसने हैक लगा के रखा है, तो हैक में जो भी चीज़ें है होंगी उसने सब यूज़ कर रहा है वो इस मैच में, तो काफ़ी सही चल रहा है उसका गेम प्ले ऐसा वो उसका कहना है। बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अगर गरीना, वैसे भी गरीना ही ये सब चीज़ लाई है यहाँ पर हैक, ये सब हर सीज़न देख रहे हैं हम, हैक आता है रैंक सीज़न जैसे स्टार्ट होता है, बंदों के KD होते हैं 15-20 की KD। भाई साहब मैंने ग्रैंड मास्टर पे एक बंदे को देखा जिसकी KD थी 25 की फ्रेंड्स, लिटरली 25 KD थी, और उसकी हेड शॉट रेट मैं आपको बताऊँगा, हेड शॉट रेट उसका 95 था लिटरली। और उसने 150 मैच में, जी हाँ फ्रेंड्स, स्क्वाड के 150 मैच में उसने 1200 किल किया है भाई साहब, ऐसे हैक्स यूज़ करके। मतलब हम भी रैंक मैच खेलते हैं, पेरेंट्स पर खेलते हैं, हमारा भी मतलब जो भी जैसे भी गेम प्ले है, मतलब उतना खास तो नहीं है, कोई देख के तो पता चल रहा है उतना खास गेम प्ले नहीं होगा, फिर भी जो भी है, लेकिन हम पेरेंट्स पर खेलते हैं। तो आप भी पेरेंट्स पर खेलेगा, हैक्स प्रमोट मत क्या करो, इससे अपना ही गेम ख़राब होता है और गेम का भी नाम ख़राब होता है। तो वैसे भी इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमें करना है तो गरीना को ही करना होगा, इस पर कुछ गरीना को एक्शन लेना होगा, तो एक्शन उन्हें क्या लेना होगा, कि अगर जैसे कोई बंदा एक बार हैक यूज़ करे तो उसका अकाउंट 1 हफ्ते के लिए बैन कर देना चाहिए, अगर वो दूसरी बार यूज़ करे तो उसका अकाउंट 2 महीने के लिए बैन करना चाहिए, और अगर थर्ड टाइम हो तो वो लास्ट वार्निंग, और उसके बाद परमानेंटली बैन प्लस डिवाइस बैन भी होना चाहिए। इससे क्या होगा कि मतलब हैकर्स के दिमाग में जो दहशत बैठ जाएगा, तो वो हैक नहीं यूज़ करेंगे ज़्यादा। अब यहाँ जैसे देख सकते हो हमारा एक टीम में डाउन हो चुका, तो ये देख सकते हो यहाँ पर जोन बहुत छोटा हो रहा है और वो भाग के आ रहा है हमारे सामने, यहाँ पर एक गोली उसको लगा और उसने मुझे डाउन कर दिया, और तब तक मेरे एक टीममेट ने उसे मार दिया, तो हम 5-5 से बराबर हो गए। तो लास्ट राउंड है, अब देखने लास्ट राउंड में क्या होगा। तो यहाँ लास्ट राउंड है, देख सकते हो 5-5 हो चुका है, तो इस राउंड में आपको कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेंगे जिससे देखने के बाद आप शॉक हो जाओगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गन ले लिया AK और M1887, तो अभी राउंड शुरू होने वाला है, देख सकते हो आप जैसे राउंड शुरू होगा तैसे ही आप देखोगे एक जादूगर का कमाल यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर हम भाग के जा रहे हैं सामने से, और सामने से निकल के भाग, ओ भाई देखो देखो टेलीपोर्ट यूज़ किया उसने और पूरी टीम को खा गया भाई साहब देखो, और लिटरली आप उसका डैमेज देखना, तो गाइस इसने 15,800 का डैमेज दिया पूरा। तो गाइस कमेंट करके आप मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगे, मिलते हैं अगले वीडियो में।